पैसे लेते हैं IMF से, क्यों लेते हैं? हमें डबो देते हैं, लेते ही हैं तो टैक्स हम दे बैठे मातम विषय सर एकादियां दुकानदारियां एकादियां खरीदारियां कुछ नहीं गा सर बड़े फ्री बैठे हैं लगता है कारोबार नहीं करना आपने कारोबार पाकिस्तान में रहे कौन सा गया कारोबार ये मेरी तो भी नजर पड़ी है मेरा कैमरा मैन दिखा देके इमरान खान वो ही सी नाम लेने तो नर बंदा है उनको पावे फांसी यार की हो गया कौन से ऐसे अनासिर हैं जो मजबूर कर रहे हैं कि कारोबार लोग बंद करके ना अपने घर ही चले कारोबार तो कुछ भी नहीं है लोग अपने पास से नुकसान करके जा रहे हैं अपने पास से खा रहे हैं सब कुछ जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना बाहर से पैसा आएगा ना कुछ आएगा मैं कहता हूँ ये सारे हुक्मरान जो है ना इन सबको फारिग कर दो कोई भी इस लायक नहीं है जो हमें चला सके थोड़ा सा और निजाम खराब होना है इमरान खान साहब को ऊपर कर देने ये PTI आ गया ये बल्ला आ गया ये अपनी जेबें भरते हैं गाड़ियां करोड़ों रुपए की लेके ये फिरते हैं पता ही नहीं किसकी गाड़ी है ये पड़े 1,36,000 रुपये बिल है इधर खड़े होकर पहले पूछती है अपनी बच्चियों को बाहर खड़े करती है कि भाई हमें रेंट पे मिल जाएगी उसने तस्वीर देखी है लड़की ने उसने कहा मामा मैंने इधर से लहंगा लेना मैंने बाकी नहीं जाना क्यों और ऐसे तरह रहा ने इंशाल्लाह हर लोगों के हाथ कटोरा आया ना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रात की बात साथ मैं हूं आपका सैयद अरम अब्बास मैं इस वक्त खड़ा हूं लाहौर की एक मार्केट में यहां लोगों से जानते हैं कारोबार के क्या हालात चल रहे हैं और दुकानदारों से भी पूछते हैं क्या वो कारोबार कर रहे हैं मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं और उनके में देखते हैं क्या सूरत हाल है ये एक दुकान नजर आ रही है बड़ी अच्छी सी है लेकिन खाली खाली है ओनर से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल चाल है अल्लाह का शुक्र थोड़ा सा आगे आ जाए प्लीज सर बड़े फ्री बैठे हैं लगता है कारोबार नहीं करना आपने कारोबार पाकिस्तान में रह कौन सा गया कारोबार इतने तो कारोबार है आपकी इतनी और वो भी फ्रंट पे दुकान है और कस्टमर ही कोई नहीं बैठे हैं जो मुल्क के हालात है ना जो उन्होंने हालात कर दिए हैं कोई भी कारोबार गवर्नमेंट हमारी जो ये PDM की है नून लीग की खास तौर पे ऐसे तो ना गए इतने अच्छे आज अभी उन्होंने कोई इतनी इनोवेशंस की हैं 15-15 लाख कर्जे भी दे रहे हैं अच्छा मुझे बताएं कि 2 साल से हो गए इनकी हुकूमत है कोई एक काम बताएं जो डायरेक्ट आवाम जिससे मुतासिर है जाए आवाम को रिलीफ मिले मुझे लगता है रिलीफ मिले मुझे बताएं कोई एक काम बताएं जो डायरेक्ट गरीब आदमी जो मजदूर है उसको रिलीफ मिला हो मुझे बताएं कोई ऐसा काम जब से आए हैं बिजली महंगी करने के अलावा पेट्रोल महंगा करने के अलावा महंगाई ज्यादा करने के अलावा इनका काम किया है मुझे बताएं आहिस्ता आहिस्ता भाई किस तरह आहिस्ता इन्होंने कहा था जब इमरान खान की हुकूमत थी हम आएंगे जी हम आते ही जी पेट्रोल को 100 से नीचे ले आएंगे डॉलर को जो है वो 150 से नीचे ले आएंगे वो खान साहब महंगाई करके चले गए अच्छा एक सेकंड मेरी अभी नजर पड़ी है ये मेरी तो अभी नजर पड़ी है मेरा कैमरा मैन दिखा देके ये देखिए ना लगता है कोई दिली मोहब्बत है दिली मोहब्बत नहीं जब इसकी भी हुकूमत थी ना हमें लगता था कि ये महंगाई कर रहा है अच्छा लेकिन इसके जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि ये बंदा किस कोरोना के दौर में इसने कैसे मुल्क चलाया आपको पहले मुझे ये बताएं आपको डर नहीं है बिल्कुल रोड पे किस चीज का डर है भाई हमारा मुल्क है किस चीज का डर है इनका तो नाम लेते होगा क्यों क्या उसने क्या किया उसका जो इसका नाम लेने पे है मुझे बताएं इसकी इसका कसूर बताएं क्या है अभी वो जेल में क्यों जेल में सिर्फ ये क्यों है ये सिर्फ हमारे लिए है वो अपने लिए नहीं अपनी जात के लिए नहीं है वो हमारे लिए जो जंग लड़ रहा है ना उसके लिए वो इसको जेल में डाला हुआ है वो इसलिए क्योंकि जब वो बाहर आ जाएगा ना इनका जो करप्शन है ना करप्शन ये नहीं कर सकेंगे ये जो अभी फिलहाल हुकूमत बैठी हुई है अभी इतने मियां साहब ने कहा था कि मुझे सिर्फ 2 साल का मौका दें उनको मौका मियां साहब को बुलाएं तो सही ना मियां साहब इधर किधर है मरी में अभी कल परसों आप लोगों के लिए 14 रुपए बिजली कम कर दी आपके लिए किसके लिए किया है 200 से 500 यूनिट के लिए किया है हमें तो 500 यूनिट आता भी नहीं है हमें तो क्यों बंद की नहीं दो, 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 भाई लाइट आया ही नहीं पूरे बाजार की लाइट गई हुई है 500 आप कह रहे हैं ना ये ले ये बिल मैं आपको दिखाता हूँ अभी अभी आप इधर ही है खड़े हैं मैं आपको बिल दिखा देता हूँ ये ले आप कह रहे हैं ना 400 यूनिट पे दिया हुआ है ये पड़े 1,36,000 रुपये बिल है ठीक है 1904 लाख भी है हाँ जी 1939 यूनिट चले हुए हैं हमें उस 14 रुपए यूनिट को भार में करें क्या करें उसे हमें किस चीज का रिलीफ है रिलीफ वो होता है जो पूरे पाकिस्तान को मिले ये नहीं है कि एक तबके के लिए उसको मखसूस कर दें रिलीफ वो होता है जो सेहत कार्ड होता है ना जो गरीब को भी मिलता है और अमीर को भी मिलता है जो आपको भी मिलेगा मुझे भी मिलेगा इसे भी मिलेगा मजदूर को भी मिलेगा MP MLA को भी मिलेगा उसको रिलीफ कहते हैं ये रिलीफ नहीं है कारोबार के बताएं कारोबार आपके सामने है भाई कैमरामैन आपको इसको पे दिखा दे लोग क्यों नहीं है ये तो कहते हैं ये महीना तो सबसे क्रूशियल महीना माना जाता है ऑर्डर भी नहीं खत्म होते थे शादियों का इस दिनों में ना हमारा सीजन होता है हमें खाना खाने की भी फुर्सत नहीं होती थी ऐसा ही है 2 साल से हमारा कारोबार ऐसा तबाह हुआ है कि पहले जो कस्टमर लहंगा मैक्सी लेने आता था ना अब वो बेचारा आके भला क्या बोलता है भाई रेंट पे मिल जाएगा अच्छा यानी कि कुव्वत खरीद जो है ना कस्टमर की अब वो अपना घर का किचन चलाएं बच्चों की फीसें दें घर के किराए दें बिजली के बिल दें या शादियों पे पैसा लगाएं
हालात नहीं है, कस्टमर बेचारे इधर खड़े होकर पहले पूछती है, अपनी बच्चियों को बाहर खड़े करते हैं कि भाई हमें रेंट पे मिल जाएगा। हमारे दिलों को कुछ होता है, कभी मुल्क के ऐसे हालात नहीं हुए थे। इस सारे सिनेरियो के पीछे क्या लगता है कि आगे हालात बेहतर होंगे? पॉलिसी नहीं अच्छी है। देखिए हालात तो अच्छे हो ही नहीं रहे हैं। मुझे बताए ना कि 2.5 साल से ये हम पे मुसल्लत है। मुसल्लत है भाई। हमने वोट जिसको डाला उसको नहीं, आपने खुद ही तोड़ा है हमारे इधर हलके का जो एडवोकेट है हाईकोर्ट का सलमान अकरम राजा साहब 90,000 की लीड से जीते हुए हैं। तो कहां गए? और वो जो चोर वो ओन चौधरी डकैत जिसको ये ड्रग्स माफिया कहते थे, उसको मियां साहब से भी ज्यादा वोट डाल दिए हैं सलके से। मियां साहब की मतलब इतनी औकात नहीं थी कि वो ओन चौधरी से ज्यादा वोट ले लेते। चोरी हुआ आपका मैंडेट? चोरी हुआ। हमने जिसको मैंडेट दिया था ना, जब अवाम के मैंडेट पे डाका डाले ना तो वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करते हैं। इस तस्वीर को देख के लोग आके आपको कहते हैं नहीं हमें यहां से खरीदारी नहीं करनी। ना 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 ना, मैं यकीन माने अभी कल परसों की बात है, कस्टमर एक दो लड़कियां थी अपनी माँ के साथ आई हैं, उन्होंने लहंगा पसंद किया, उन्होंने कहा भाई हमने विजिट करना है, हम पहले विजिट करें फिर आके आपसे लेंगे, हमें आगे अच्छा लगेगा। वो यहाँ पे काउंटर पे कार्ड लेनी है, उसने तस्वीर देखी है लड़की ने, उसने कहा मामा मैंने इधर से लहंगा लेना, मैंने अब आगे नहीं जाना। क्यों? कहती है इस शख्स से मोहब्बत है हमें। अब इन्होंने मुझे जरा कुछ छोड़ दे, आपका गुड नेम क्या? हामिद। हामिद भाई ऐसा क्या है इस इंसान में कि लोग डरते भी इसके नाम से नहीं है, हालांकि पकड़े भी जाते हैं। डरना किस चीज का है? मुल्क हमारा, आपका मुल्क है ना, हमारा मुल्क है, इसका नाम लेने से क्यों, क्या स्पेस ने कोई ऐसा कुछ किया हुआ है? क्वेश्चन मार्क है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो यही हम पूछते हैं ना, हम गवर्नमेंट से पूछते हैं कि आखिर इसने क्या किया ऐसा जो आपने इसको जेल में डाला हुआ है। मियां साहब को बाहर निकाला? मियां साहब तो मियां साहब इसने निकाला, मुझे क्यों निकाला? मियां साहब तो जब पैदा होते ना तब भी कह देते ना मुझे क्यों निकाला, तो आज ये नौबत ही ना आती। तो कहने का मकसद ये है कि ये बंदा जिस तक बाहर आ जाएगा ना, ये मुल्क का निज़ाम खुद ही सही हो जाएगा। हर बंदा कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कोई किसी चीज़ पे भरोसा नहीं कर रहा है। हम भी दुकानदार हैं, हम भी प्रॉपर्टी खरीदते थे, चीज़ें खरीदते थे, लेकिन खुदा की कसम इस टाइम टके का चीज़ लेने का दिल नहीं कर रहा है, ना किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का दिल चाह रहा है, ना किसी चीज़ पर करने का दिल चाह रहा है। ये हालात हैं जी मार्केटों के, लोग एक ही अरदास कर रहे हैं जी इस गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ हम पे जो है ना कुछ रैम की अपील करें, दुकान दिखा दें। बहुत बड़ी ये जो है ना माशाल्लाह एक आउटलेट है और यहाँ पे कस्टमर ही नहीं है और वो खुद ही बैठे हुए हैं और लाइट्स भी बंद हैं, कुछ चंद लाइटें जलाई भी कह रहे हैं, इतना हम तंग हो चुके हैं और बाजारों में देख ले खुद ही लोग बैठे हुए हैं। आए जी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। बड़े सस्ते सस्ते सूट लगाए हुए हैं, कस्टमर एक भी नहीं नजर आ रहा। क्या वजह है इसकी, क्यों नहीं है लोग, क्यों खरीदारी नहीं है, आप लोग सारे आपस में ही बैठे हुए हैं? सर ये कारोबार के हालात देखें, बिल्कुल ही डेड और जीरो हो चुके हैं। महंगाई इतनी, क्या वजह महंगाई इतनी? पहले भी तो महंगाई थी, महंगाई थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी अब कर दी हुई है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, घर के वो अखराजात हैं नहीं है। इधर एक मजदूर की दिहाड़ी 1,000 रुपये है, घर का खर्चा उसका 1,500 रुपये है, किस तरह पूरा करेगा? बिजली के बिलों की क्या सूरत हाल है, क्या लगता है कि वो? सर उन्होंने 10 दिनों का उन्होंने कहा जी आपको टाइम दे देते हैं। ये गवर्नमेंट ने और कौन है यार, गवर्नमेंट तो इतना अच्छा कर रही है, इतने प्यार थे आप लोगों का, आप लोगों ने खुद इतने वोट डाले हैं उनको। और सर जी असी उन्होंने वोट नहीं पाया, एक बंदे ने पाया ही यार। हर बंदा यहाँ पे, मेरी आगे भी 2-4 लोगों से बात हुई है, वो भी यही कह रहे हैं हमारा मैंडेट भी चोरी हुआ। ठीक है महंगाई इतनी कर दी, अगर नहीं इनसे होता था तो एक बंदे को करने देते जो काम कर रहा था अपना। सारे इतने जेड़ा पाकिस्तान के हक से बोलता है ना, उन्होंने वो गर्दन नप देते हैं, उन्होंने कुट देते हैं। एक बंदा आया ही आया, उन्होंने 2-4 साल दवो, कोई 5 साल, तुम 30-30 साल कड़े ने, उन्हें हाले काम करना है, उन्होंने नाल ही कोई ना कोई उड़ते गेम पा के उन्होंने नाल ही अंदर गंदा कर। जो हालात आगे बिगड़ते जा रहे हैं, हाँ जी इंशाल्लाह होर ऐसे तरह रहा, इंशाल्लाह हर लोगों के हाथ कटोरा आ जाना, मंगना शुरू कर देने। ऐसा तो नहीं था, यह हो जाना, तुम ज्यादा नहीं होर साल ठहर जाओ, इन्हें हो जाना। क्यों? हाँ जी किसकी वजह से होगा, किसके? हाँ साड़ी हुकूमत की वजह ना, होर की वजह ना होना सर, हुकूमत जिम्मेदार है। बड़ी अच्छी है यार सर, उनका मौका तो दे, थोड़ा सा मौका तो देखो, 2-4 साल देख देखे तो। और सर 2-4 साल इन्होंने 30 साल दिते ने, और च नहीं कर सके तो हूँ कर लेना इन्होंने। कौन कुछ लगता है कौन बेहतर है कि यार ये बंदा ठीक था, इसको मौका मिलना चाहिए? सर एक बंदा है सी इमरान खान, वो ही सी नाम लेने तो नर बंदा है, वो भावे फांसी यार की हो गया, आवाजार अगे जिंदगी हो गई, वो सर अगे जिंदगी तो आवाजार हो गए, की कर देंगे तुम? लोग तो कहते हैं कि ये जो मंथ चल रहा है बड़ा क्रूशियल टाइम होता है, लोगों की खरीदारी बड़ी होती है, आगे शादियों का सीजन है, मुझे यहाँ पे रश ही नहीं नजर आ रहा। सारे कैमरा इधर ले आओ, सफे मातम विषय आज दुकानदार, मैं वही सारे देख रहा हूँ आपस में बैठे, सफे मातम विषय सर, कादिया दुकानदारियां कादिया खरीदारियां कुछ नहीं। अच्छा लाइटें भी नहीं जलाई, नहीं ये कुछ नहीं, बिल्ली बड़े लोग कह रहे हैं बिल्ली बड़े, क्या की करिए सर,
बिल होने 35-40 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, कितों दईए। हुकूमत को एक आखिरी पैगाम देना चाहेंगे कि आपकी तरफ से क्या पता गया है, हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम साहिबा वो सुन रही हो या वज़ीर आज़म साहब सुन रहे हो, क्या कहना चाहिए सर? उन्होंने ये पैगाम देंगे सानू माफ़ी दे, माफ़ी दे दो सर, सानू इस तो अगे कुछ नहीं, माफ़ी दे दो जनाब सानू, इन्नी कि बर्दाश्त बड़ी है, इस तो ज़्यादा फिर अगर खुदकुशियाँ और कुछ नहीं जाएगा। खुदकुशी है और किसको मौका देना चाहिए, लगता है कि एक मौका और देना चाहिए? हाँ जी इंशाल्लाह जी, इमरान खान को देना चाहिए मौका, नाम चाहिए। लेने उठा लेंगे आपको। चुक लेने यार अगे अपने आप तो आवाज आ रहे पे हैं, कोई गल नाम लैन दे क्यों, कोई रोला नहीं गा। ए सर मेरी गल सुनो, भुखा भी तो मरना ना, ये मार देन यही समझा गे खत्म कहानी, उंज भी तो मरते पे ना, हथी मार देन काम खत्म करन सर। आप तो कह रहे हैं मैं खान के नाम पे भी मरने के लिए तैयार। वो तैयार है सर, इको ही तो बंदा है। इतनी मोहब्बत क्यों है, क्या है उस बंदे में यार? बाकी भी तो सर मियां साहब आपको अच्छे नहीं लगते इतने, माशाल्लाह वो सबसे मशहूर दुकान है आपकी यहाँ पे जी? भाई काम तो है नहीं, 5 महीने हो गए हैं ईद के बाद से, छोटी ईद पे काम था उसके बाद काम बंद हो गया। अभी तो ये तो बड़ा क्रूशियल था महीना चल रहा है आगे रबी लगा। हाँ जी, रबी लगा शादियां होती हैं, सबसे पहली बात है लोगों के पास पैसे होंगे तो लोग शॉपिंग करेंगे ना, सबसे पहले लोग बिल पे कर लें, ग्रोसरी ले लें, उसके बाद अपना मेडिकल कर लें, उसके बाद बचते कुछ नहीं है, लोग कर्जों के नीचे आ गए, फिर लोग करेंगे क्या? शादियाँ वगैरह लोग तब करेंगे जब लोगों के पास पैसे होंगे, अफोर्डेबल कुछ भी नहीं है अफोर्ड। तो इसके पीछे क्या लगता है, क्या रीज़न है, कौन से ऐसे अनासिर हैं जो मजबूर कर रहे हैं कि कारोबार लोग बंद करके ना अपने घर ही चले जाएं? सब कुछ तो पाकिस्तान में बंद हो रहा है, टेक्सटाइल मिल बंद हो रही है, हर चीज़ बंद हो रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनी बंद हो रही है, हर चीज़ तो बंद हो रही है। रिसेंटली एक कराची में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बंद हुई, ये भी कल आ रहा था, सारा टेक्सटाइल मिल बंद हो रही है, टोटल कंपनी यहाँ से चली गई है, उसके बाद दूसरी ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो यहाँ से चली गई है, बड़ी बड़ी कार कंपनी सब कुछ यहाँ से चला गया, यहाँ पे है कुछ नहीं। पीछे इन सारे अनासिर के पीछे एक रीजन होता है, एक वजह होती है, कुछ लोग होते हैं, ट्रस्ट नहीं है हुक्मरानों पे, ट्रस्ट नहीं है किसी का, मियां साहब के वो इतने देखें, इस टाइम जो इनके ऊपर ट्रस्ट करते थे ना, जो इनके अपने कारकुन थे, वो भी इनको इस टाइम गालियाँ दे रहे हैं। फॉर्म 45 को तो आप छोड़ दें, 47 को तो आप छोड़ देना, जो इनके ऊपर ट्रस्ट करते थे, जो इनके अपने कारण थे, जब लोग अब भी लोग कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करवा लें, देख लेते हैं किसको वोट पड़ते हैं, बगैर पार्टी के, बगैर किसी इंतखाबी निशान के, देख लेते हैं किसको वोट पड़ते हैं, इमरान खान को बैर ले हैं, 4 महीने पहले इलेक्शन आपने ही वोट दिलवा के, पता है हमने नहीं जितवाया, हमने नहीं जितवाया, बगैर पार्टी के, बगैर किसी इंतखाबी निशान के, कौन बंदा जीता है ये सबको पता है, कौन आया कौन नहीं आया, मुझे नहीं पता कौन जीता, मुझे बताएं कौन जीता, सारी आवाम को पता है, मुझे नहीं पता, सारी आवाम को पता होगा, मुझे इमरान खान जीता है, अच्छा देखकर किसी और को आया गया, चलें फिर दोबारा इलेक्शन करवा लें, लगता है कि वो दोबारा इमरान खान अपने किसी बंदे को भी, जितने फेमस कैंडिडेट हैं इनको ना भी खड़ा करें, अननोन बंदों को खड़ा कर दे, सिर्फ इमरान खान पीटीआई के वर्कर हो। खान की इतनी मकबूलियत क्यों है, क्यों लोग सिर्फ ऑनेस्ट आदमी पीछे मैं एक बंदे से सिर्फ सिर्फ ऑनेस्ट आदमी है, ऑनेस्ट आदमी जब तक ऊपर नहीं आएगा मुल्क नहीं चलेगा। मियां साहब के मुंह से इतना नूर आता है, आपको वो ऑनेस्ट लगते ही वो सिर्फ वो सिर्फ नूर ही आता है, वो इतने ऑनेस्ट आदमी है यार, बोलते हैं यकीन करें, लोग अक्सर कह रहे हैं, लोग रो रहे होते हैं कि यार वो मियां साहब बोल रहे हैं, देखिए क्यों नहीं अच्छे लगते हैं यार, अच्छे हैं, अच्छे हैं, पैसे कमाने के लिए अच्छे हैं, अपनी जात के लिए अच्छे हैं, आवाम के लिए अच्छे नहीं है वो। अभी उन्होंने 14 रुपए का आपको आपके लिए कम किए हैं बिजली के, आप ये हमारे लिए काम नहीं, ये करप्शन का कोई नया तरीका उन्होंने ढूंढा है करप्शन करने के लिए, हमारे लिए उन्होंने कुछ कम नहीं किया, रिलीफ देना होता तो वहाँ को रिलीफ देते हैं, आपको दे दी उन्होंने, ये आपकी ये हमारे दे दी, लिए कुछ दिया आपको दे दी, ये सारा कुछ उन्होंने सीमेंट वगैरह उन चीज़ों के लिए किया है, राणा ने हेल्थ कार्ड दिया, हर चीज़ दी उसने, हेल्थ कार्ड तो बंद क्यों कर दिया हुकूमत किसने, अगर इतना अच्छा राणा ने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने बंद किया क्योंकि इमरान खान ने तो नहीं आगे कहा था कि मेट्रो बंद करो, क्यों उन्होंने चलाई, इमरान खान ने तो नहीं आगे कहा था, कुछ नहीं किया इमरान खान, हर काम वो करता है जो आम की सहूलत के लिए हो, आम की सहूलत वाला काम करेगा, ये वो काम करेंगे, सारी बात मुझे ये बताएं कारोबार के क्या हालात चल रहे हैं? कारोबार तो कुछ भी नहीं है, लोग अपने पास से नुकसान करके जा रहे हैं, अपने पास से खा रहे हैं सब कुछ। क्या लगता है कि कब तक ये सारे सिलसिला खत्म जब तक हो जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इंसान इज्जत से रोटी अपनी कमा जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी गवर्नमेंट की, कब तक आएगी और कौन कर सकता है? ये वही लोग कर सकते हैं जो ऊपर बैठे हैं पावर में, पावर वाले भी आजकल कह रहे हैं वो भी बड़े बुरे हालातों में, ये तो वही जान सकते हैं कब तक वो करेंगे, अगर वो करना चाहें तो सुबह हो जाएगा,
पावर वाले लोग जो पूरे बाजार में चक्कर लगाया कुछ लोगों से बात भी, कस्टमर ही नहीं है, वो खुद ही सारे आपस में कस्टमर भी नहीं है, बंद करके बैठे हैं। कस्टमर चार महीने से नहीं है बाजार में, किसान हमारा मर गया, किसानों के पास पैसा नहीं है, किसान मर गया, हर बंदा इस टाइम मर गया। जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ना बाहर से पैसा आएगा ना कुछ आएगा, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं आएगा। ये कह रहे हैं बाहर से पैसा लेकर आओ, इन्वेस्टर बाहर से आएगा, ये अपना पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं। एक आखिरी बात, कौन है वो लोग, कौन से वो अनासिर, कौन है वो पाकिस्तान पे इक्तदार करने वाले जो आपको लगता है कि ये हालात पाकिस्तान के बेहतर कर देंगे? सिर्फ इमरान खान ही है, उसके अलावा कोई नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास भी। सिर्फ एक नाम इमरान खान ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बड़े फ्री बैठे हुए हैं। बस क्या करें, क्यों कारोबार नहीं करना? कारोबार तो आपके सामने ही है, बाजार बिल्कुल खाली है। ये सारे खाली क्यों बैठे हुए हैं? भाई कारोबार नहीं करना? ये रोटी रोटी ले ये हम लोग जो है ना, हम लोग जो है ये हुक्मरानों की जो है ना जो पॉलिसी है हम उसको लेके बैठे हुए हैं। यार इतना अच्छा तो कर रहे हैं, और क्या चाहिए? मरियम अच्छा। साहिबा के 100 दिन आप पढ़ के देख लें तो आप कहेंगे कमाल है। भाईजान बहुत अच्छा कर रहे हैं, किधर तो यकीन माने रोटी कमाना मुश्किल हुई है, हर बंदा परेशान हुआ, परेशानी में बैठा हुआ है। कस्टमर क्यों नहीं? कस्टमर नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है, बिल इतने आ गए, अब ये हर बिल में 1,000 रुपए उन्होंने टैक्स डाल दिया, फिक्स टैक्स 1,000, वो पता नहीं कौन सा टैक्स है। आपकी बेहतरी के लिए डाला। ओ भाई जान, सारी उम्र हो गई हमें देखते हुए, अभी तक तो बेहतर हुआ कुछ नहीं है, डूब ही रहे हैं, ये डबो ही रहे हैं हमें। मियां साहब ने सिर्फ कहा था 2 साल का और मौका मिल गया ना, मियां शहबाज शरीफ ने कहा था लाहौर को पेरिस बना दो। भाई जान कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं बनना, बार तो करके देखो। भाई जान कुछ भी नहीं बनना, इतने दिनों में कुछ नहीं हुआ, इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, दो सालों में क्या हो जाना मेरे भाई, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, मजीद हम दलदल में दिस रहे हैं। कौन से लोग आ जाएंगे, आपको लगता है कि आपके मानने वाले आ जाएं तो वो ठीक कर लेंगे? मैं कहता हूँ ये सारे हुक्मरान जो है ना, इन सबको फारिग कर दो, कोई भी इस लायक नहीं है जो हमें चला सके। हुकूमत कौन करेगा? भाई जान को अल्लाह का बंदा है, जो दीन 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 वाला बंदा है, अल्लाह का बंदा है, जो मौलवी फजल रहमान साहब भी है, नहीं वो नहीं है, तरीके लबैक है मौलवी। अब मौलवी फजल रहमान पता कितने पुराने, वो भी फारग है। क्यों यार इतने अच्छे, आप अभी दीन की बात कर रहे थे, उनका नाम वो सारे लो देखा हो ना, तरीके वो आ जाए, हम उनको देख लेते हैं, कहते हैं कि ये तो बस चलाया उनके साथ। अभी हमने उनको देखा नहीं है, इन सबको देख लिया, ये सब फारिग है। सबको किस किस को देखा? ये दो ये सारे पीपल पार्टी, ये नून लीग, ये पीटीआई, ये सारे जितने भी हैं, पिछले 20-25 साल से ना कोई तकरीबन एक पार्टी पाकिस्तान में ना हुकूमत कर रही है, ठीक है, फिलहाल तो वही चल रही है। ओ भाई जान ये पीपल पार्टी का क्या कसूर है? ओ मेरे भाई, मेरी भाई बात सुने, ये सब मिले हुए हैं, अच्छा ठीक है। अब ये इमरान खान साहब अंदर है, ये जब थोड़ा सा और निजाम खराब होना है, इमरान खान साहब को ऊपर कर देने, ये पीटीआई आ गया, ये बल्ला आ गया, शेर साहब नीचे गिर जाने, यही काम होना है इधर, यही हो रहा है, हम जी देख रहे हैं, यही देख रहे हैं। सारे चक्कर में पेट्रोल बढ़ गया, जेल में बैठे इमरान खान का कसूर है, आवाम पिसरी है, जेल में बैठे इमरान खान का कसूर है, आवाम पिसरी है, बिजली का रेट बढ़ गया, जेल में बैठे इमरान का, यार उससे भाई सबका कसूर है, ये पैसे लेते हैं आईएमएफ से, क्यों लेते हैं, हमें डबो देते हैं, हमने टैक्स देने हैं, किधर से दे, हम लेते ही है तो टैक्स हम दे। साफ जाहिर है जब आप बिजली इस्तेमाल करो, भाई जान बिजली इस्तेमाल करते हैं, बिजली के पैसे नहीं देते हम, बताए तो ना, देने तो पड़ेंगे। आईएमएफ से कर्जा ये लेते हैं, ये अपनी जेबें भरते हैं, गाड़ियां करोड़ों रुपए की लेके ये फिरते हैं, पता ही नहीं किसकी गाड़ी है, किधर से आई है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो हम गरीब लोग मारे हैं, टैक्स जी हमने देने हैं, गरीबों ने देने हैं, अवाम ने टैक्स देने हैं, अवाम के लिए इन्होंने कर्जे उठाए हैं, यार कौन सा अवाम के लिए? अगर आप मंथली 10 लाख कमा रहे हैं तो 1-1.5 लाख देना भी पड़ गया गवर्नमेंट, तो क्या गवर्नमेंट हमारी 10 लाख कमा रहे हो तो मैं 10 लाख मैं कमा रहा हूँ ना, ठीक है ना, तो मैं इनको 5 लाख दे दूँ, कारोबार ही नहीं है, वेले बैठे हुए हैं यार सारे, क्यों मतलब ये कैमरा मैन मेरा अगर दिखा सके, सारे खुद ही बैठे हुए हैं, कारोबार कोई नहीं है मार्केट में, ये नहीं कहते बड़ा क्रूशियल था महीना है यहां पे, और लोगों के भाईजान खर्चे नहीं पूरे हो रहे, अखराजात नहीं पूरे हो रहे, लोगों ने अपनी बेटियों की शादियां करनी है, जहेज का सामान नहीं बन रहा, पता नहीं कहाँ से कमेटियाँ उठा के लगा के पता नहीं कर करा के वो अपना निज़ाम चला रहे हैं, निज़ाम तो चलाने वाला तो अल्लाह ही है ना, कोशिश कर रहे हैं कि चलाएं, बाकी हुकूमत से किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखें। ये हालात हैं जी नाज़रीन, हमारे जो ताजिर हजरात हैं, जो हमारे ताजिर भाई हैं, जो मार्केटों में बैठ के अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, कस्टमर ही नहीं है, गाहक ही नहीं, और ये महीना सबसे ज़्यादा क्रूशल महीना समझा जाता है, क्योंकि लोग आते हैं, रबी लेवल का महीना आगे आता है, लोग शादियों में बड़े बिजी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भाई हैं सारे फ्रीली बैठे, और एक ही उनका अरदास है हुकूमत पंजाब से कि बारहा कुछ उन पर नज़र सानी करे, कुछ चाहे बिजली के बिलों